हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री की। दोस्तों, अप्लाइड केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जल उपचार से रिलेटेड ये चैप्टर्स का न्यूमेरिकल आता है, जो पूछा जाता है जल की कठोरता बताइए, उससे रिलेटेड ये आपको एक से दो क्वेश्चन मैं इसमें प्रोवाइड कराऊँ, जो कि बहुत ही बेसिक से आपको बताने की कोशिश करूँगा और आसानी से इस क्वेश्चन को आप लगा सकें, चूँकि मैक्सिमम सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी तक आपने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा माई ब्लॉग करके, उसके नीचे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ऑलरेडी मैंने 40-40 क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। क्योंकि बहुत से कमेंट इस पर आए, मैंने फिजिक्स का अपलोड केमिस्ट्री का अपलोड किया तो फिजिक्स का पूछ रहे हैं, फिजिक्स का किया तो केमिस्ट्री का। तो दोस्त, अभी जो आपका है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का 40-40 क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, माई ब्लॉग करके लिंक है, उसी लिंक के जैसे क्लिक करेंगे आप जाएंगे हमारी ऑफिशियल साइट पर, वहाँ ब्लॉग पर, और वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे आप PDF फॉर्म में उसे, ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड करके क्वेश्चन आप देखें और अच्छे से पहले उन सब टॉपिक्स को तैयार करें। और यहाँ आपको बता देते हैं कि आप इस पर भी कमेंट आ रहे हैं कि सर फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री तो अपलोड हो गया, अब हमें मैथमेटिक्स के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो दोस्त, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पहले मैंने ऑलरेडी जो आपके मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट थे, लगभग 17 प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल करा दिया हूँ। तो आप जाइए उन सभी प्रैक्टिस सेट को पहले हल करिए, एक एक टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट किया है, उसमें सभी प्रैक्टिस सेट को लिया है पहले क्वेश्चन, उसके बाद उसको सॉल्व कराया है। तो आप जाइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हो सकता है दोस्त मैं उसका भी 40 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और जहाँ तक बात है इंग्लिश की भी कोशिश करूँगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और प्लीज़ हमारा आप भी सपोर्ट करें। हमारे न्यूज चैनल नॉन स्टॉप न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करके अपना कमेंट, अपना नाम या एक जय हिंद लिख कर कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता लगे जिस प्रकार आपने इस पर मुझे चैनल पर बहुत सारा प्यार दिया, ठीक उस प्रकार भी उस चैनल पर भी अपना प्यार जरूर दें। दोस्त, यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर पहला ये है क्वेश्चन, जल के एक नमूने में 204 मिलीग्राम CaSO4 प्रति लीटर है, तो आपको बताना है कि CaCO3 के समतुल्य कठोरता, जल की जो CaSO4 की तुल्य कठोरता है क्या होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको समझना होगा कि CaSO4 क्यों कहा जा रहा है। तो दोस्त, जो जल की कठोरता निकाली जाती है वो आपका CaSO4 के तुल्य ही बात की जाती है, ठीक है। अगर आपको देखिए, अब आगे आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखिए, पहला क्या है, आपको पहले परमाणु भार दोनों को इक्वल समतुल्य की बात हो रही है, तो समतुल्य का मतलब ये दोनों क्या होंगे, समतुल्य होंगे। तो आपको लिखना होगा CaSO4 इक्वल टू क्या, CaCO3। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं दोस्त, यहाँ पर क्या लिखना होगा, CaSO4 इक्वल टू CaCO3। CaSO4 क्या है, इसका परमाणु भार क्या होगा, कैल्शियम 40 हो गया, सल्फर 32, और ये आपका 4 × 16 हो जाएगा, क्यों, चूँकि आपका जो ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार वो 16 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 × 64, और ये 32 × 40 ऐड होकर आपका टोटल आ जाएगी ये 136 प्रति ग्राम मोल, ठीक है, 136 प्रति ग्राम मोल ये इसका परमाणु भार है। और इसकी बात करें CaCO3 की, तो कैल्शियम का कितना होगा, 40 होगा, कार्बन का 12 होगा, और ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का होता है वैसे परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16, तो 16 यही कितना हो जाएगा, तो ये 16 को 3 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 40, 12 और 3 × 16 को ऐड करेंगे तो पूरा आपका कितना आ जाएगा, 100, ये आपका कितना होगा, 48, ये 12 और ये आपका 40, इसको ऐड करेंगे तो आपका 100 आएगा। तो मतलब CaSO4 का जो आपने परमाणु भार निकाला वो आपका 136 आया, CaCO3 का 100 आया। अब यहाँ तक आपको करना है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको क्या है, 136 मिलीग्राम CaSO4 प्रति लीटर, 100 मिलीग्राम CaSO4 प्रति लीटर, आपको ऐसा लिखना होगा कि 136 ग्राम प्रति मोल आपने निकाला, ये CaSO4 प्रति लीटर इसमें है 136, एक लीटर में 136 ग्राम CaSO4 है, और यहाँ पर एक आपका एक लीटर जो है CaCO3 में 100 ग्राम क्या है, CaCO3 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक लीटर में 100 ग्राम है, 100 मिलीग्राम है, और यहाँ पर एक लीटर में 136 मिलीग्राम एक CaSO4 है। अब देखिए अगला पॉइंट, हमको PPM में यहाँ पर आपको क्या, जल की कठोरता निकालना है, तो अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट क्या है दोस्त, अगला पॉइंट ये हुआ कि 204 मिलीग्राम CaSO4 प्रति लीटर, अभी आपने देखा 136 में 100 था, हमको निकालना था 204 मिलीग्राम में, आप देख लीजिए आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था दोस्त 204 मिलीग्राम CaSO4 प्रति लीटर का आपको निकालना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ लिखा है सिंपली, आप देख लीजिए यहाँ लिखा है 136 मिलीग्राम CaSO4 प्रति लीटर, 100 मिलीग्राम CaSO4 की तुल्य है, तो हम निकालेंगे 204 मिलीग्राम CaSO4 के लिए। देखिए 204
क्या है दोस्तों, 204 मिलीग्राम CSO4 प्रति लीटर के लिए 100 ऊपर करेंगे, जैसे इधर था आपका 100 CSO4 अपान 136 करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका 136 के इक्वल 100 था, तो 136 को नीचे भेज देंगे और ये 204 को इससे ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको 136 को नीचे भेजना है और 204 को मल्टीप्लाई करना है, तभी आपका इसके 204 मिलीग्राम CSO4 प्रति लीटर का आपका निकल पाएगा। इसको साल्व करते हैं तो आपका आएगा 150, मतलब आपका 150 मिलीग्राम जो लीटर आएगा वो CSO4 के समतुल्य होगा। ये आपका किसके तुल्य होगा? CSO4 के समतुल्य होगा। ये CSO4 के समतुल्य होगा। इसमें क्या होगा कि जल की कठोरता का समतुल्य किसके? 1 लीटर के समतुल्य। यहाँ पर आपको यहाँ क्या दिया गया है, ये PPM में आप इसे 150 मिलीग्राम प्रति लीटर लिखे, या आप इसे PPM में लिख सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जिसे 10^6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है उसे पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, दूसरा क्वेश्चन ये आपके लिए लिया है कि एक कठोर जल के डबूने में 1.1 मिलीग्राम क्या है प्रति लीटर CaCO3 CaCl2 उपस्थित है। एक क्या है, एक कठोर जल का नमूना हमने लिया है, उसमें 1.1 मिलीग्राम प्रति लीटर CaCO3 उपस्थित है। इसकी क्या है कठोरता, PPM में ज्ञात करें, इसकी कठोरता जो है PPM में ज्ञात करें। तो इस पर दिया है CaCl2 इक्वल टू समतुल्य किसके है, CaCO3। हमने बताया जब जल की कठोरता की बात आती है तो वहाँ पर जो जिसके किसके समतुल्य दिखाएंगे, जिसका तो पूछेंगे उसका तो आप लिखेंगे ही, यहाँ पर पूछा जा रहा है CaCl2 कठोरता, जब उसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगी जल की कठोरता, तो CaCl2 किसके समतुल्य दिखाएंगे, CaCO3 की। जब भी यहाँ पर जल की बात की, जल की कठोरता, तो आपको CaCl3 के ही समतुल्य दिखाना है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको CaCl2 CaCO3 के इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे CaCl2 का आप परमाणु भार, तो ये हो जाएगा कैल्शियम का 40, कैल्शियम और क्लोरीन का होता है 17, इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 35.5 होता है, 35.5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ओवरऑल आपका आ जाएगा 111। और इधर आप इसको सॉल्व करेंगे इसका तो आपका 100 होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का इसका याद रखिए, CaCO3 का आपका होता है 100 और CaCl2 का सॉल्व करेंगे तो 11 आता है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, पहले आपको कहना होगा 1 लीटर कठोर जल में 111 ग्राम CaCO2 किसके समतुल्य है, 100 ग्राम के। देखिए आपने सॉल्व किया, आप देखिए यहाँ पर 111 ग्राम है, ये आपका 100 ग्राम है, तो आपने 1 लीटर जल, यहाँ पर 1 लीटर जल की ये जब आप स्वरूप निकालते तो 1 लीटर की बात करता है, तो 1 लीटर कठोर जल में 111 ग्राम CaCl2 के समतुल्य CaSO4 कितना है, 100 ग्राम है। आपने इसको सॉल्व किया, 100 ग्राम है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, 10^3 ग्राम कठोर जल में 1.1 कितना है दोस्तों, 1.1 ग्राम CaCl2 के समतुल्य क्या होगा, इसको आप निकालना होगा। ठीक है, 10^3 ग्राम कठोर जल में 1.1 ग्राम CaCl2 समतुल्य है किसके, CaCO3 के समतुल्य है। तो इसको क्या करेंगे, हमको ऐसे 100 ऊपर लिखा है और ये आपका क्या होगा, 111 होगा आपका नीचे और 1.1 ऐसे ही अभी हमने जस्ट अभी जैसे आपको बताया था 100 ग्राम आपका ऊपर हो गया। ठीक है, 111 आपका क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, 111 आपका नीचे जाएगा और 1.1 ये ऊपर इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, PPM में निकालना है। PPM के लिए 10^6 ऊपर और 10^3 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 10^ 100 है, ये आपका सेम वही चीज़ लिखा रहेगा, बस यहाँ पर हुआ क्या है, PPM के लिए ऊपर 10^6 से मल्टीप्लाई और नीचे 10^3 से यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हुआ है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10^3 100 आपका कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, 1000 PPM आ गया। ठीक है, अभी हमने 10^6 और 10^3 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो आपका हो गया ये PPM में। तो जल की कठोरता आपको इस प्रकार से निकालना होता है। तो पहले आपको क्या होगा, जल की कठोरता के लिए जिसका कहेगा उसका परमाणु भार लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे किसका, CaCO3 का। ठीक है, दोनों का परमाणु भार लिखने के बाद आप कहेंगे कि 1 लीटर में कितना है, 111 ग्राम में आपका 100 CaCO3 है, लेकिन आपको निकालना है किसमें, फिर आपको निकालना है दोस्तों आपको निकालना किसमें, जिसमें आपको पूछेगा, तो पूछा किसमें है आपको 1.11 में,
ठीक है। तो 1.11 में CO3 की मात्रा कितना करेंगे, 100 × 1.11 ऊपर रखेंगे, और जो आपका पहले था उसको आप 111 नीचे, और ppm में इस लेटर के पावर 6 से मल्टीप्लाई सॉल्व करें आपका आंसर। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं कि सेमेस्टर में पूछे जा रहे जल की कठोरता से रिलेटेड 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। वीडियो देख लिए गए धन्यवाद, और प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।